हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल यमी टमी संगीतास देसी किचन में। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप बेसन, 1 कप शक्कर का पाउडर, 1 छोटी कटोरी देसी घी और थोड़ा सा पिस्ता बादाम। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई को बिठाएंगे और इसमें 3 चम्मच घी डालेंगे। घी हल्का गर्म होने के बाद इसमें बेसन को डाल के अच्छे से मिलाएंगे। बेसन को भूनने में थोड़ा सा समय लगता है, हम इसे 25 से 30 मिनट तक भूनेंगे। बेसन अगर भूनते समय ड्राई हो जाए तो हमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी मिलाते रहना है। हमें बेसन को धीमी आंच में तब तक भूनना है जब तक कि बेसन में अच्छी खुशबू ना आने लगे और बेसन का कलर हल्का डार्क ना हो जाए। अभी हमारे बेसन में जितने भी गुठलियाँ थी सारे खत्म हो चुके हैं और ये अच्छे से पिघल चुका है। अब हम गैस को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हल्का हल्का गर्म है, अभी इसमें इलायची पाउडर मिलाएंगे। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शक्कर का पाउडर मिलाएंगे। इसे अभी हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको लड्डू का शेप देंगे और इसके ऊपर 1-1 पिस्ता लगाएंगे। आप किसी और ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे बेसन के लड्डू बनके तैयार है। अभी इसे 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 3 घंटे बाद हमारा लड्डू कुछ इस तरीके से बनके तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।